हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपका होने वाला बच्चा विकलांग ना हो, अपंग ना हो, मेंटली या फिजिकली डिसेबल ना हो? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको 6 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करती हैं तो आपका होने वाला बच्चा बिल्कुल हेल्दी होता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो जन्म से ही अंधे होते हैं, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, लंगड़े होते हैं। और आपने बहुत सारे बच्चों को ये भी देखा होगा कि उनका दिमाग, उनका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका होने वाला बच्चा इन सारी परेशानियों से बचा रहे तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए करे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी के बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टिप्स है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने जा रही हैं और आप चाहती हैं कि आपका होने वाला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, आपका होने वाला बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल ना हो, आपका बच्चा विकलांग ना हो, तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले ही आपको प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करनी चाहिए। तैयारी बस आपको इतना करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जैसे कि थायराइड टेस्ट, सिस्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको करवानी चाहिए। और टेस्ट करवाने के साथ साथ आपको अपने डाइट में फॉलिक एसिड को ऐड करनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करती हैं तो आपका बच्चा विकलांग या मेंटली या फिजिकली डिसेबल नहीं होता है। फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 2 ये है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको वायरल इन्फेक्शन से दूर रहना है। फ्रेंड्स, यही वो कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको पब्लिक प्लेस में या पब्लिक एरिया में जाने से मना करती है, यानी कि उन जगहों पर जाने से मना करती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। फ्रेंड्स, वो इसलिए आपको मना करते हैं कि आपको वायरल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जिस जगह आप जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे, हो सकता है कि किसी को वायरल इन्फेक्शन हो और उस वायरल इन्फेक्शन से आपको भी इन्फेक्शन हो जाए और इससे आपके बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे आपका बच्चा गूंगा या बहरा भी हो सकता है। फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 2 ये है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको शोरगुल वाले जगहों पर भी नहीं जानी चाहिए, यानी कि उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा शोर होती है। फ्रेंड्स, इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और इसमें ये पाया गया है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में कोई शोर वाली जगह पर जाती हैं तो इससे बच्चे की सुनने की क्षमता कम जाती है और सुनने की क्षमता कम जाने की वजह से बच्चा गूंगा हो जाता है और बच्चा बहरा भी हो सकता है। फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 3 ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में होता क्या है कि आपके शरीर में चेंजेस तो होते ही हैं और शरीर में चेंजेस होने के साथ साथ आपके शरीर में, आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं और फ्रेंड्स, इसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको बहुत बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें खाने का मन करता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि इस दौरान आप अपने ज़ुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं रखते हैं तो इससे आपके बच्चे का मेंटली या फिजिकली डिसेबिलिटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ चटपटा या तीखी चीज़ें या तेल वाली चीज़ें या मसालेदार चीज़ें पसंद आती है तो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो सकता है, आपका बच्चा विकलांग हो सकता है। फ्रेंड्स, बाज़ार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, चाट, पकौड़े और भी बहुत सारे स्ट्रीट फूड और जंक फूड होते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा विकलांग ना हो, मेंटली या फिजिकली डिसेबल ना हो, तो आपको इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। फ्रेंड्स, टिप्स नंबर फाइव ये है कि आपको बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीना है, बाहर का जूस भी नहीं पीना है। फ्रेंड्स, जितने ही बाज़ार में कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव्स मिलाई जाती हैं और ये प्रिजर्वेटिव्स की वजह से आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, आपका बच्चा विकलांग हो सकता है। और फ्रेंड्स, अब आप सोच रही होंगी कि मैं आपको जूस पीने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बाज़ार के जूस पीने के लिए मना कर रहा हूँ, ना कि घर का। बाज़ार का जूस होता क्या है, बाज़ार का जूस बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो सकता है और इस जूस की वजह से आपको फ़ायदे तो कम, आपके बच्चे को नुकसान ज़्यादा हो सकता है और आपका बच्चा विकलांग भी हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में जूस पीना तो बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी में जूस पीना चाहती हैं तो आप घर पर बनाकर जूस पी सकती हैं। फ्रेंड्स, अगला जो टिप्स है
प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो अगर आप वो सारे न्यूट्रिशन को नहीं लेती हैं तो इससे आपका बच्चा विकलांग हो सकता है, आपके बच्चे को मेंटली या फिजिकली डिसेबिलिटी हो सकती है। फ्रेंड्स, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी में लेना ही होता है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फॉलेट, फाइबर, जिंक, आयोडीन। ये सारे ऐसे कुछ न्यूट्रिशन हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेना ही होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो आपका बच्चा विकलांग भी हो सकता है और आपका बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि ये वीडियो किसी के लिए बहुत ही खास हो जाए, और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।